दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालकर पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ कर लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली की द्वारका जिला पुलिस ने ऑपरेशन वर्चस्व के तहत बड़ा खुलासा कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। सभी आरोपियों की पहचान सचिन, बबलू और विशाल के रूप में हुई है। आरोपियों ने एक ही रात में अलग अलग 4 जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल, 9 कारतूस, 1 चोरी की कार और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दरअसल द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी के मुताबिक बीते 11 अक्टूबर की रात को द्वारका जिला के अलग अलग इलाके में 4 लूटपाट के मामले सामने आए थे। ये सभी वारदात करीब 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच हुई थी, जिसमें सेंट्रो कार से वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑपरेशन वर्चस्व लॉन्च किया और इस मामले को सुलझाने के लिए ACP विजय सिंह के सुपरविजन में AATS टीम के इंस्पेक्टर कमलेश कुमार, SI विकास यादव, ASI विजेंद्र, हेड कांस्टेबल जितेंद्र, हेड कांस्टेबल सोनू, हेड कांस्टेबल दिनेश, हेड कांस्टेबल विजय, कांस्टेबल इंदर, परविंदर, संदीप राजवीर और अरविंद की एक टीम गठित की गई। हमने ऑपरेशन वर्चस्व द्वारका जिला में लॉन्च किया है। ये 2 दिन बाद लॉन्च होने वाला था, लेकिन इस ऑपरेशन वर्चस्व के ठीक लॉन्च होने के पहले दुर्भाग्यवश 12 तारीख की सुबह को 12:30 बजे से लेकर 2:45 तक एक सांत्रो कार आती है, जो द्वारका के अलग अलग हिस्सों में 4 रॉबरीज करती है। वो 2:35 लगभग 2:35 वेगस मॉल में होती है और मैं 2.5 घंटे में समझ चुका होता हूँ कि एक ही गाड़ी, वही लड़के इन तीनों रॉबरीज को अंजाम दे रहे हैं। रात भर पेट्रोलिंग करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं, QST होती है। दुर्भाग्यवश हमें उस दिन सफलता नहीं मिलती है। बड़े कंक्लूसिवली नहीं कह सकता, बट यस, इट्स अ रिकॉर्डेड फैक्ट कि पिछले 6 दिनों से, 6 रातों से द्वारका जिले में कोई भी रॉबरी और कोई भी कारजैकिंग का कॉल तक नहीं आया। इट्स नॉट अबाउट अ केस, एक भी PCR कॉल नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद इसका असर बड़ा है। पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी के मुताबिक इसमें करीब 200 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले गए और 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि ये लोग एक बार फिर से वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस ने ऑपरेशन वर्चस्व के तहत जाल बिछाया और टीम के एक साथी को सिविल में सड़क पर उतारा गया। जैसे ही आरोपी वारदात को अंजाम देने की फिराक में पहुंचे तो पुलिस टीम ने उन्हें रोका, लेकिन आरोपी की तरफ से गोली चलाने शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उन पर गोली चलाई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए।